नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लड़की हो या लड़का, सुहागरात किसी के लिए भी शादीशुदा जिंदगी का पहला और सबसे खास दिन या समय होता है। ये वही समय होता है जब दो जिंदगियां एक दूसरे के करीब आकर हमेशा साथ चलने की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने का वादा करते हैं। लेकिन अगर यही सुहागरात पर कांड हो जाए और पत्नी 9-2-11 हो जाए तो फिर क्या होगा? जी हाँ, अब जो खबर सामने आई उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक दुल्हन ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सुहागरात पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसके होश उड़ गए, मुंह फटा का फटा रह गया। इस घटना के बाद दूल्हे के परिवार वाले सदमे में हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बांदा गांव की है, जहां 15 मार्च को एक लड़का और एक लड़की की एक मंदिर में सभी रीति रिवाजों से शादी हुई थी। यहां तक कि पंडित ने दोनों की कुंडली देखते वक्त कहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर क्या था, दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे से एक बिचौलिए के जरिए मिले थे। शादी के बाद दूल्हा बेहद खुश था, उसने अपने रिश्ते को लेकर काफी सपने संजोए थे। वह भी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन सुहागरात को ऐसी घटना घटी जिसने दूल्हे के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। जैसे ही दूल्हा सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, दुल्हन ने एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर सभी कीमती जेवरात और 20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गई। इस घटना में दूल्हे को काफी ज्यादा चोट आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़के ने पुलिस को बताया कि आरोपी लड़की हरिद्वार की रहने वाली है। पुलिस लड़की और शादी कराने वाले बिचौलियों की तलाश में जुटी हुई है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।